गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड फ्लोएम। कल हमने कॉर्क और फ्लोएम के बारे में जाना था, आज इसके फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इट प्रिवेंट प्लांट फॉर इंजेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। मीन्स अगर किसी भी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उससे बचाता है। ठीक है, उसके बाद में ये है कि एक इंसुलेटर का भी काम करता है, मीन्स ये सर्दी से बचाता है प्लांट को। तो इट इज सोक अब्जॉर्वर एंड इंसुलेटर फॉर प्लांट। मीन ठीक है, ये इंसुलेटर का काम करता है, मीन सर्दी से बचाता है और प्लांट को टफनेस प्रदान करता है। ठीक है, कठोरता टफ जो है, प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट। कॉर्क यूज इन मेकिंग गुड स्पोर्ट्स, मीन्स जो स्पोर्ट्स का सामान है वो बनाने में यूज किया जाता है, जैसे क्रिकेट की बॉल है, टेबल टेनिस है, ये सब बनाने में। नेक्स्ट क्या आता है आपका, स्पोर्टिंग टिश्यूज। कल हमने परमानेंट टिश्यूज के बारे में जान रहे थे, तो उसमें दो टाइप के थे, तो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्या है, स्पोर्टिंग टिश्यूज। स्पोर्टिंग टिश्यूज इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर्टिव फंक्शन का काम करेगा। दीज टिश्यूज आर स्पोर्टिव इन फंक्शन। दीज टिश्यूज आर थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के हो गए। ठीक है, कौन कौन से, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। कौन कौन से है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। फर्स्ट देखते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या होता है, एक पतली सी वॉल होती है, ठीक है, जो सेल होती है और इसमें लिविंग सेल होती है। ठीक है, ये तो या ओव्यूल शेप में मिलेंगे या फिर स्पेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो उनका साइज काफी बड़ा होता है। वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये किस किस में पाए जाते हैं, लीव्स के अंदर, ठीक है, स्टेम के अंदर और रूट के अंदर। देखो, इट इज थिन वॉल सेल, मीन्स ये थिन वॉल सेल होती है, कम्पोज ऑफ लिविंग सेल, मीन्स ये लिविंग सेल होती है। ठीक है, ओव्यूल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी, या तो ओव्यूल फॉर्म में या फिर स्पेरिकल फॉर्म में। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, इसके सेंटर के अंदर मीन्स काफी बड़े हैं वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फाउंड इन लीव्स, पेचेज ऑफ स्टेम्स एंड रूट, मीन्स जहां पे भी जो वो है, जहां पे ग्रोविंग होती है वहां पे मिलते हैं, मेनली लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है फंक्शन, देखो इसके इसके फंक्शन क्या है। एक तो ये स्टोरेज करके रखता है, ठीक है, जो वैक्यूल्स है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, उसके बाद में रिजिडिटी, कठोरता प्रदान करता है, फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है और रिपेयर करने में भी। देखो, स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, ये क्या करती है, फूड को स्टोर करके रख लेते हैं लार्ज में। प्रोवाइड रिजिडिटी ऑफ दी सेल्स, ठीक है, कठोरता प्रदान करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, नई ग्रोथ में और रिपेयर करने में मदद करता है। बायवेंसी सेंट्रल ऑफ एक्वाटिक प्लांट, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर बायवेंसी प्रदान करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्योंकि हमने पेरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा, नेक्स्ट कौन सा है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक फिलर टिश्यूज होता है, मीन्स फिल करने का काम करता है, जहां पे भी कोई सॉफ्ट पार्ट है जो फिल नहीं है वहां पे उसके फिल मीन्स फिल करने का काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद में ये प्राइमरी जो स्टेम है, रूट है, उनके अंदर पाया जाता है। प्राइमरी ग्रोथ आपने जाना था, जो लंबाई की ग्रोथ होती है वो। ठीक है, देखो, इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, मीन्स ये फिलर टिश्यूज का काम करता है, जहां पे प्लांट का मीन्स सॉफ्ट पार्ट है वहां पे। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स विच प्राइमरी स्टीम्स एंड रूट, मीन्स प्राइमरी जो स्टीम पार्ट है, लीव्स रूट है, उनमें पाया जाता है। इट इज फाउंड बिलो दी एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। सेल टिश्यूज आर लिविंग, मीन्स क्या है, लिविंग टिश्यूज है। वाल थिकेंड एट दी कॉर्नर, और कॉर्नर पीस की जो वाल मिलेगी वो थोड़ी मोटी मिलेगी। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है इसका कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट पार्ट, मीन्स ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट भी, और जो फिलिंग वैकेंट स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है। कल हम स्क्लेरेकाइमा के बारे में जानते हैं। ठीक है,